अगर पेन ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हुआ तो एक पेन कर लेना पड़ेगा। तभी डिसाइड किया कि जूता उतार के नीचे पूरा पार्किंग तक चलते हैं। एक दो तीन हटो, तीन तो बोलने दो, तुम हटो साइड। बच गया बच गया बच गया बच गया। वेलकम गाइज, वेलकम टू फ्रेश न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। मेरी बाइक खड़ी है ये। तो आज का प्लान ये है कि भी हम लोग निकलने वाले हैं काजा से। जाएंगे पहले की मॉनेस्ट्री, जो कि सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है, लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। फिर उसके बाद जाएंगे चीचम ब्रिज, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, 12,500 फीट की ऊंचाई पे। और फिर उसके बाद निकल जाएंगे मनाली के लिए। तो बाइक भाई अपनी सारी रेडी है, चेन क्लीन और चेन ल्यू पूरा किया है। बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आप देख सकते हो पूरा चेन क्लीन है। सफर एक लंबा होने वाला है और आज का सफर डिफिकल्ट भी होने वाला, क्योंकि आज स्पीति का सबसे टफ टेरेन जो होता है मनाली से काजा वाला आज हम लोग कवर करने वाले। तो कल वैसे मेरे जो चोट लगी थी हॉस्पिटल में पट्टी बनवाई है, तो अभी तो ठीक है, लेकिन पेन अभी भी हल्का हल्का है। लेकिन आज मैंने कुछ सोचा है कि मैं प्लास्टिक वाले पहन के फिर उसके बाद शूज़ पहनूंगा, तो उससे क्या होगा ना कि ये शूज़ भी इजीली चला जाएगा अंदर, और जो शूज़ का मॉइस्चर होता है वो चोट में लगेगा। दिल्ली तक ऐसे ही चोट को लेके चलना है, फिर दिल्ली में जाके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। छोटा सा रूम है, यहाँ पे एक टेबल चेयर भी दी गई है, इधर विंडो है, ये है दो साइड टेबल बेड वाले, और इधर वॉशरूम है। ये 800 रुपये में ठीक ठाक रूम मिल गया है, खाना वाना इंक्लूड नहीं था। सब कुछ चेक कर लिया, निकलने से पहले एक बार मैं रोड पे भी आके चेक कर लेता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, बाकी कपड़े जूते तो भूल जाएंगे, उसका कोई ज़्यादा गम नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल पर्स कैमरा लैपटॉप ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी हम लोग निकल गए हैं की मॉनेस्ट्री के लिए। हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ से की मॉनेस्ट्री है 14 किलोमीटर। की मॉनेस्ट्री 13,500 फीट की ऊंचाई पे, काजा था 12,250 फीट की ऊंचाई पे। 1,000 फीट का सीधे इंक्लाइंड हो रहा है, तभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। पंक्चर हो गया इसलिए हमको फोन कर रहा था। बता यार, आवाज निकल रही है, मोटा छेद है, अभी तो नीचे भी नहीं उतर पाए, ये पे बनवाता हूं पंक्चर लिक्विड। भैया अमन भैया जा रहे हैं, उसके पास लिक्विड है, अभी नीचे वापस जाना पड़ रहा है। एक भाई का टायर पंचर हो गया, तो देखता हूं जा रहा हूं मैं, अगर बन गया तो अच्छी बात है। 10 किलोमीटर पीछे जा रहा हूँ और उसके पास जिसका पंचर हुआ है, जैसे पार्ट ऑफ जर्नी पार्ट ऑफ राइड। एक राइडर दूसरे राइडर की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। छोटा पंचर होगा तो मेरे पास जो लिक्विड है ट्यूब वाला लिक्विड वो तो सॉल्व कर देगा, बट अगर बड़ा पंचर हुआ तो फिर तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो नहीं काम किया तो फिर वापस हवा भर देंगे। आज ये काम आएगा, देखो होता है कि नहीं। आधा डाल दो, पूरा डालना है, पूरा ये पूरा, हाँ A to Z डालते हैं। देखो टायर भरते रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक राइडर दूसरा राइडर काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। 515 रुपये पेटीएम काम नहीं बना, क्योंकि उसका ट्यूबलेस टायर था और जो मेरे पास जो सीलेंट था वो ट्यूब टायर का सीलेंट था, क्योंकि मेरा ट्यूब टायर है। तो अब वो जा रहे हैं पंचर वाले के पास, मैं निकल रहा हूँ वापस से की मॉनेस्ट्री। फाइनली वेलकम टू की मॉनेस्ट्री, आई लव की। की मॉनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। एंटर तो कर चुका हूँ की विलेज में, बट मॉनेस्ट्री यहाँ से अभी है 4 किलोमीटर और आगे, तो फटाफट से मॉनेस्ट्री पहुँचते हैं।
फाइनली वेलकम टू ओ गड्ढा, बाप रे, फाइनली वेलकम टू की मॉनेस्ट्री। तो ये है की मॉनेस्ट्री, सामने जो दिख रही है आपको। मैं पहुंच चुका हूं की मॉनेस्ट्री। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है की मॉनेस्ट्री, और ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो ये मॉनेस्ट्री की बात की जाए, 13th सेंचुरी में मॉनेस्ट्री बनाई गई थी। 13,500 फीट की ऊंचाई पर है ये मॉनेस्ट्री। ये चट्टान है जिस पर ये मॉनेस्ट्री बनाई गई है। ये चट्टान का नाम है शंकराचार्य चट्टान, और ये मठ इतना मजबूत बना है कि 1975 में यहाँ पे एक भूकंप आया था, उसमें भी इस मठ को कुछ नहीं हुआ। लिखा है नो ड्रोन जोन वार्निंग, टाइमिंग है इसकी 7 AM to 7 PM, व्हीकल नॉट अलाउड, और ये है की मॉनेस्ट्री। तो जहाँ तक जाने को मिल रहा है वहाँ तक चलने की कोशिश कर रहा हूँ, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है चलने में। एक पेड़ से दिखा है उसमें रेड कलर के फ्रूट्स निकले हुए हैं, और ये किस चीज़ का ये तो पता नहीं चल रहा है। तो ये है हमारे पीछे की गुम्पा। मॉनेस्ट्री जाने के लिए वेलकम टू की गंपा। तो ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाना है। तभी डिसाइड किया कि जूता उतार के नीचे पूरा पार्किंग तक चलते हैं। चलने में ज़्यादा सही है, दर्द कम होगा। पार्किंग के पास पहुँचेंगे, वहाँ जूता पहन लेंगे। वो खड़ी है मेरी बाइक उतना नीचे, वो पूरा चल के जाना नीचे तक। सीरियसली मैन, बहुत पेन हो रहा था इस जूते में। फाइनली मैं बाइक तक तो पहुँच गया हूँ, निकल रहे हैं यहाँ से। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सॉक्स की वजह से पेन हो रहा था। सॉक्स उतार दिया ना तो फिर उसके अंदर थोड़ी जगह हो गई है, थोड़ा सा आराम होना चाहिए। बजरंग बली का नाम लेके निकल जाते हैं, जय बजरंग बली। तो थोड़ा ऐसे ही राइड करके देखते हैं, अगर पेन ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हुआ तो एक पेन किलर लेना पड़ेगा। बट पेन किलर का एक डिसएडवांटेज ये है कि पेन किलर लेने से ब्लड जो होता है काफ़ी थिन हो जाता है, तो इस कारण क्या होता है ठंड ज़्यादा लगती है, फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं पेन किलर कल से लिया नहीं था एक बार भी, क्योंकि ये पेन तो थोड़ा बहुत सह लूँगा लेकिन फीवर हो जाएगा ना तो फिर बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दिख रहा है बीच में कुछ लटका हुआ है, आई थिंक ये रोपवे है सामान को इस साइड से उस साइड तक भेजने के लिए, बट आई थिंक अभी वर्किंग में नहीं है। बट उधर तो कुछ है ही नहीं, कहाँ भेजते हैं। तो मैं अभी इधर नीचे से आया हूँ, और इधर चला जाएगा चीचम ब्रिज, और इधर एक लेफ्ट पीछे चला जाता है यहाँ से किब्बर के लिए। तो किब्बर मॉनेस्ट्री के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर है, बट मैं किब्बर मॉनेस्ट्री नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर बढ़ रहा हूँ चीचम ब्रिज की तरफ। ओके, बस बाइक से उतरने का मन नहीं है मेरा, बस मन ये कर रहा ना मैं बाइक के बैठे सारा कुछ आपको दिखा दूँ। पैरों में प्रेशर जैसे ही पड़ रहा ना तुरंत पेन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जा रहा है, अनबियरेबल पेन हो रहा है। और फाइनली वी आर द वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज। ब्यूटीफुल मैन, चीचम ब्रिज पे हम एंटर कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। wow.
फाइनली हम निकल चुके हैं चीचम ब्रिज से। चीचम ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है 13,600 फीट की हाइट पे। स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी चीचम ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफी ज्यादा स्नोफॉल होती थी तो चीचम जो विलेज था वो किब्बर विलेज से बिल्कुल अलग हो जाता था, आइसोलेट। वहां तक खाना वाना पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, गाँव वालों को पूरा घूम के जाना पड़ता था। ये ब्रिज बनने से गाँव वाले इजिली किब्बर होते हुए काजा पहुंच जाते हैं। मिलिट्री के लिए भी काफी ईजी हो गया वन विलेज से दूसरे विलेज तक ट्रेवल करना। अभी हम चीचम ब्रिज से निकल कर बढ़ रहे हैं क्योटो की तरफ, जो की काजा मनाली वाले हाईवे से जुड़ जाएगा। 20 किलोमीटर बाद आएगा क्योटो और फिर क्योटो से राइट टर्न हो जाना है मनाली के लिए। तो यहाँ पे इतनी सारी याक्स हैं यार, वाव, सब याक मस्त है ना। ये नीचे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, जैसे लग रहा है कोई द्वारपाल है जो नदी का ध्यान रख रहे हैं कि नदी सही बह रही है कि नहीं। वाह कितना खूबसूरत है यार ये वैली। रास्ता देख रहे हो ना, ऐसे ही पूरा रास्ता मिलने वाला है ऑफ रोडिंग। सामने पहाड़ देखो भाई साहब, पूरा बर्फ से भर ढके हुए पहाड़, अल्टीमेट। ओ हो, ये क्या है, किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है, देख रहा हूँ किधर जाना है, इधर इधर इधर। शेट यार तुमने अटका दिया, ओ बे भाई साहब। अब हम आ चुके हैं हंसा तक और पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग है। काटो से हंसा करीब करीब है 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर से लगातार हम ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं। ओह हम पहुंच चुके हैं लोसर, 13,480 फीट बना ये लोसर गांव। चंदताल के बाद सबसे पहला गांव आता है, जनरली लोग चंदताल देखने के बाद लोसर में आके रुक जाते हैं। यहां पे आपको रहने खाने सोने की सारी व्यवस्था मिल जाती है, पेट्रोल यहां पे ब्लैक में मिलता है, पेट्रोल पंप सिर्फ काजा में है, पेट्रोल नहीं फुल कराया है मनाली से, तो फिर यहां पे आपको ब्लैक में पेट्रोल मिल सकता है लोसर में। पुलिस चेक पोस्ट, चोट लग गई है, नहीं 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 बैनली। अच्छा अभी आके दो बाइकर गए हैं क्या, एक टाइगर होगा। हाँ अमन अमन, हाँ सर का एक चेक पोस्ट था वो मैंने क्रॉस कर लिया और अब आएगा कुंजम पास। लोसर के बाद कुंजम पास तक कोई भी गांव नहीं है, चंदताल क्रॉस करने के बाद बताल ही गांव आता है, तो इस बीच में आउट ऑफ मेट्रो भी जा सकते हो, तो पहले से इन्फॉर्म कर दो अपने घर वालों को। बहुत बार क्या होता है कभी भी यहाँ पे स्नोफॉल एकाएक हो जाती है तो लोग फंस जाते हैं। इस पैच में कोई भी रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, तो अपना खाना रहने का सारा सामान लेकर आओ। मुझे लगा तुम लोग आगे निकल गए, मतलब तुम नेटवर्क था नहीं, एक सेकेंड पहले ये क्रॉस कर लूँ। एक दो तीन हटो, तीन तो बोलने दो, तुम हटो साइड।
बच गया बच गया बच गया बच गया। अरे उधर मत करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हो गया हो गया। हाँ हाँ, मुझे लगा तुम लोग निकल गए, मैंने कहा अब आराम कर लेता हूँ मैं जब तुम लोग निकली गए हो तो। फाइनली सब लोग मिल गए हैं वापस से और अब हम निकल रहे हैं आगे। सब बहुत ही खराब दिख रहा है, यहीं से हालत खराब होने वाली है। क्या करके गए हैं ये, रास्ता क्लियर हो रहा है तभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं। हाँ सही, पूरे रास्ते पर रास्ता क्लियर होता रहता है। प्लीज रास्ता क्लियर हो गया, अब निकल रहे हैं आगे। हो बाप रे, लोग इस रास्ते को अवॉइड कर देते हैं अक्टूबर के महीने में और हम लोग अक्टूबर एंड में इस रास्ते पर जा रहे हैं, देखो क्या होता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुंजम टॉप पे और ये देखो पूरी बर्फ, वाव वो रहा कुंजम टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पहुंच चुके हैं कुंजम टॉप पे, ये है कुंजम माता का वीडियो, आपका हार्दिक स्वागत करता है। पे बोर्ड लगा हुआ है, सबने पूरा बोर्ड को इतना भर के गंदा कर दिया यार। कुंजम टॉप से हम नीचे उतर रहे हैं चंद्रताल की तरफ, रास्ता थोड़ा थोड़ा खराब है लेकिन अब नीचे उतरना है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके तो पूरा स्नो पीक माउंटेन दिख रहा है नीचे तक, अल्टीमेट व्यू, आई अल्टीमेट, ओ माई गॉड ओ माई गॉड, ओ ये है असली एडवेंचर, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है। सब लोग यही बोलता है कि अक्टूबर एंड में नहीं जाना चाहिए, अक्टूबर एंड में हम लोग कुंजम पास क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा ब्लैक आइस है यहाँ पे,
और वो भाई फिसल के गिर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे उतार रहे हैं। जय हो जंगली, चलो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। हवा इतनी तेज चल रही है, हाथ एकदम जम चुके हैं हम सबके, बिल्कुल उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। उस साइड देखो पहाड़ों पे पूरा स्नोफॉल हो रही है, ओह, और रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग, पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग है। हल्ला पिछले 100 किलोमीटर सिर्फ ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ओ भाई, हो गया द अल्टीमेट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस इज हियर। कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे के आसपास। 3 घंटा? रास्ता खराब है पूरा? साथ जाओ सारे जितने हो ना। ओके, एक भाई ने बताया अभी 3 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 5, मतलब पहुँचते पहुँचते 8 बजने वाला है। ओके, हम लोग बिल्कुल रिवर बेड से चल रहे हैं। जून जुलाई का महीना होता ना तो ये पूरा पानी से भरा होता, अक्टूबर होने की वजह से पानी नहीं है, बस ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पूरी उंगलियां एकदम काम करना बंद हो गई हैं। ओह, मौसम देख के लग रहा है कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, जिस हिसाब से मौसम है, या तो स्नोफॉल या तो बारिश। मनाली अभी यहाँ से 92 किलोमीटर है यार, और रोहतांग पास 42। भाई इधर बादल, उधर से सूरज की रोशनी, सनसेट हो रहा है, वाओ मैन वाओ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं छतरू, यहाँ से आएगा ग्रामफू, फिर ग्रामफू से 8 किलोमीटर बाद आएगा कोकसर, और फिर उसके बाद आएगा अटल टनल। लेकिन स्नो फॉल हो रही है, देखो, वाओ, ओ माय गॉड। टाइम हो रहा है शाम के 7:15, और अभी हम लोग बस पहुंचेंगे कुछ 10 किलोमीटर बाद रोहतांग। स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है।
माय गॉड, अटल टनल 12 किलोमीटर मनाली 45 हो गया। यस, कांग्रेचुलेशन सभी को, कांग्रेचुलेशन ब्रो, पहुंच गए फाइनली। ओ माय गॉड, फाइनली। हाउ इज द जोस? हाय सर, हाउ इज द जोस? हाय, हाउ इज द जोस? हाय, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। चलो चलो, रोड आ गई, फाइनली रोड आ गई। सब कितने खुश है भाई, फाइनली फाइनली हम लोग को रोड मिल गई यार। भाई सब खुश थे, सब कार वाले से लेके बाइक वाले सब खुश थे भाई, रोड आ गए, रोड। चले 80 किलोमीटर हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे थे, ऑफ रोडिंग वो भी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग थी, लेकिन हम लोगों ने फाइनली पार कर लिया इस साइड से, वो भी अक्टूबर के महीने में, और आज डेट है 22 अक्टूबर। अभी हम लोग रोहतांग पहुंच चुके हैं, अब यहां से आएगा अटल टनल और अटल टनल से निकल जाएंगे हम लोग मनाली के लिए। टाइम हो रहा है करीब करीब 8 बजने वाले हैं, अभी भी मनाली यहां से 45 किलोमीटर है, लेकिन अब जो रोड मिलने वाली है वो अच्छी मिलने वाली है, अब कोई टेंशन नहीं भाई। फाइनली हम एंटर करने वाले हैं फिर से अटल टनल में। हो अटल टनल फिर से, टाइम हो रहा है 8:15। ये जो नीचे शहर दिख रहा है ये है मनाली शहर, और हम फाइनली मनाली पहुंच चुके हैं। तो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग जरूर कमेंट करके बताना, बहुत एडवेंचरस दिन था और बहुत खुशी का भी दिन था कि हमने ये टफ सिचुएशन पार किया, साथ में मिल के किया। व्लॉग को यही खत्म करते हैं, कल मैं निकल जाऊंगा यहाँ से दिल्ली के लिए, और इस तरह से खत्म हो जाएगा अपना पूरा स्पीति सीरीज।